करने वाले हैं हमारी डीआरडीओ के अंदर साइंस का सिलेबस क्या रह सकता है ताकि हम अच्छा और बहुत शानदार स्कोर कर पाए सबसे पहले तो ना आप एक थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं साइंस को लेकर जब भी आपको शब्द सुनते हैं ना साइंस आप सोचते हो कि आपको बड़ा ही लंबा चौड़ा कुछ याद करना है लाइक आपको खूब सारी केमिस्ट्री पढ़नी है अलग से बायोलॉजी पढ़ना है बायो का पार्ट आपका जूलॉजी और बॉटनी कुछ इस तरीके के मुझे आपने जनरल लाइफ सेशन के अंदर भी मिलता है जो मेरा एक साजन होता है, ठीक है पर आपका साइंस के अंदर आपको जो मेन पार्ट्स पढ़ने हैं आपको साइंस वाले वो पढ़ने तो यही तीन है पढ़ने तो यही तीन है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी परंतु इसके साथ में आपको क्या रहता है ना कि जो डीआरडीओ के अपडेटेड इवेंट्स होते हैं ठीक है जो उनकी लॉन्चिंग्स होती है वो आपका करना होते हैं आपको रीसेंट वाला

अगर मैं बारी बारी इस पे बात करूं तो ये आपको तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ने हैं वो सिर्फ टेंथ लेवल तक पढ़ने हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको टेंथ लेवल तक पढ़ना है टेंथ लेवल तो बोलो मैं कहूंगी नौवीं और दसवीं ये दो क्लासेस के अगर एनसीआर आप पढ़ लेते हो साइंस की तो आपकी भैया अपरम पार माया भगवान की हो जाएगी आपके ऊपर ठीक है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नौवीं दसवीं की किताबें पढ़नी है साइंस के लिए इधर उधर नहीं जागना कहीं ठीक है बुक्स नहीं खरीदनी आपको कहीं चलो एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है और आपका फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है ठीक है अगर बात करो आपके फिजिक्स के सिलेबस की तो आपको पता है फिजिक्स के अंदर एक चीज बड़ी खास होती है हमेशा ना एक प्रश्न आपकी यूनिट्स पे पूछा जाता है या तो आपका यूनिट पूछा जाएगा यूनिट और मेजरमेंट या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसका कार्य क्या है किसने डिस्कवर किया है इस तरीके का मोशन और फोर्स अब यहां पे याद रखना मोशन और फोर्स में फोर्स कौन से कौन से की बात हो रही है यहां पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रेविटेशनल कौन सा ग्रेवी टेशनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स में आप ग्रेविटी भी पढ़ते हो ठीक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ठीक है अगर आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं पढ़ना है तो ये पढ़ना है इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको यहाँ पे ठीक है मोशंस में आपको पता ही अलग अलग टाइप के मोशनस क्या है और उनके यूनिट्स तो आपको साथ ही साथ खैर कर, करनी ही है फिर आ जाता है वर्क पावर और एनर्जी अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो आप एनर्जी बहुत सारी चीजों में पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो हीट हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है तो आप यहाँ पे हीट पढ़ रहे हो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन का प्रिंसिपल आता है ना लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तो उसके अंदर ना आपको वो बोला जाता है एक हीट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में बदल गई वो कन्वर्जन उस कन्वर्जन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मेक श्योर sure कि आपकी जो एनर्जी के कन्वर्जन होते हैं उन कन्वर्जन को पढ़ेंगे जैसे कि अगर बात करूं मैं किस चीज की जैसे कि बात करूं मैं किस चीज की कि इलेक्ट्रिसिटी है पंखा चल रहा है पंखा चल रहा है तो क्या हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल हो रहा है है ना इस तरीके के आपका डायनामो क्या करता है कैसे एनर्जी को चेंज करता है ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कैसे एनर्जी को चेंज करता है इस तरीके के क्वेश्चन आपके ठीक है उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स और आप जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स की बात करोगे तो आप हमेशा एक साथ ही पढ़ते हो क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे कि अगर आपको बोल दे की इलेक्ट्रिसिटी से क्या मैग्नेटिज्म हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कॉयलिंग वाले प्रोसेस से है ना तो आपको सब कुछ यहाँ

और इसी के साथ आपका स्कैटरिंग स्कैटरिंग हो गया ठीक है आपका स्कैटरिंग के अलावा आपका इंटरफेरेंस हो गया डिफ्रेक्शन हो गया ये इस तरीके के एक आधे आपको मालूम होना चाहिए कि होते क्या है ठीक है जैसे कि आपसे कई बार देखा होगा कि आसमान नीला क्यों है ठीक है सुबह या शाम के समय पे लाल क्यों दिखता है स्कैटरिंग की वजह से तो ये बस एक आधे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फिक्स रहते हैं यही है और यहीं पे आपको रेनबो के ऊपर मोस्ट टॉपिक है rainbow. Rainbow है रेनबो रेनबो क्या होता प्राइमरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो क्या है कलर का सीक्वेंस क्या है फ्रीकवेंसी क्या है वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या है सेकेंडरी ऊपर बनता है कि नीचे बनता है इस तरीके की चीजें फ्लूड मैकेनिक्स की अगर बात करू तो फ्लूड मैकेनिक्स में आप जनरली बात करते हो पास्कल के लोग की आरकी प्रिंसिपल्स की और आपके और जो दूसरे प्रिंसिपल्स है वो भी जैसे कि आपका बर्नोली थोम भी आपकी होती है बर्नोली के क्या क्या यूज़ेस हो सकते हैं आपका टिनका उड़ जाना है ना तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स सॉर्टेड रहता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दो ही चीजें हम यहाँ पे हमेशा पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं मैकेनिक्स के के अंदर के अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स आपका या तो हम फ्यूजन पढ़ेंगे ठीक है या फिर हम पढ़ेंगे फिजन दोनों के ही अपने अपने यूजेस जैसे कि फिजन है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है आपके एटम बम में होता है फ्यूजन की अगर बात करूं तो आपके स्टार्स में होता है जो आपकी सन की एनर्जी आ रही है रेडिएट होके वो भी आपके फ्यूजन से हो रही है ये सारी चीजें आप पढ़ोगे साथ में सोलर सिस्टम बड़ा ही अहम रोल निभाता है यहाँ पे

है ना यो कलर का उसके अंदर गिवन रहता है वो भी आपको पढ़ना है सब कुछ पढ़ना है कुछ नहीं छोड़ना एक एक रट लेनी है एनसीआरटी की एटम और मोलिक्यूल्स यहाँ से मोल कंसेप्ट तो घड़ लो भाई घड़ लो आपके दिमाग में पी जाओ इसको तो मोल कंसेप्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आपको उठेगा ही उठेगा एक आधा क्वेश्चन आपको मोलर मास निकालना दे दिया जाएगा कोई मास गिवन दे दिया जाएगा भाई एक बार बताओ बताओ है 340 है ग्राम का अब ये बताओ कि इसके अंदर मोल्स कितने होंगे है ना तो वो इस तरीके के कुछ आपके क्वेश्चन मिलेंगे टेबल हो गई ठीक है आपके पीरियॉडिक टेबल में आपके जैसे कि मैं बात करूँ डॉबरियर के ट्राइड्स के बारे में पूछ लिया लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पूछ लिया ये पूछ लिया पीरियडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है है ना क्या बेसिस रखा था अपवाद क्या क्या है फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा भी सुना होगा कि एका बोरोन है ना एक सिलिकॉन है ना एक का एल्यूमिनियम तो ये किसके रिप्लेसमेंट में है किसकी जगह पे ये आए हैं क्या कुछ सीन का है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके आती है मेटल्स नॉन मेटल्स विद देयर मेटलर्जी यानी कि आपके ओर्स के बारे में भी साथ में रहेगा मेटल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स किए जा सकते हैं और यहीं पे आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो याद रखना मेटल नॉन मेटल करते समय आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो सिर्फ यही नहीं होता ठीक है उनकी ओरस मैथड क्या क्या है उनकी ओर निकालने के ठीक है आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी एसिड बेस और सोल्ट आपके जनरली लाइफ के अंदर कौन से एसिड बेस हैं उनके कॉमन नेम क्या है केमिकल नेम क्या है ये सारी चीजें सोल्यूशन आपके जाते हैं जहां पे आप कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं ठीक है आप ध्यान है ना कोलाइड्स सोल्यूशन के बारे में ट्रू सोल्यूशन हाइड्रोजीनियस मिक्सचर्स वाला सोल्यूशन आपका होता है हाइड्रोजीनियस सोल्यूशन होता है ठीक है आपका होता है ये जो आपके फदरुन टाइप्स वहां चलते रहते हैं वो वाला पार्ट पॉलीमर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलीमर्स बहुत सारा पूछा जाता है खूब पूछा जाता है ठीक है डेली यूज कंपाउंड जैसे कि ग्लास हो गया सीमेंट हो गया सोप हो गया डिटर्जेंट हो गया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एटसेट्रा और भी बहुत कुछ जैसे कि आप किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ठीक है नमक उसी का क्या नाम है आपका केमिकल नाम क्या है फूमिला क्या है ठीक है वॉशिंग सोडा आपका हो गया जो डिटर्जेंट में आ गया बेकिंग सोडा क्या हो गया कार्बोन बेकिंग सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया फॉर्मूला क्या हो गया एनई एच सी ओ थ्री हो गया ठीक है तो ये इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको काफी सारी देखने को मिलने वाली है अगर आगे करो बायो की बात तो देखो बायो आपका थोड़ा ज्यादा पूछा नहीं जाता बींग वेरी ऑनेस्ट तक तक आज मैंने जिस भी बच्चों से पूछा है कि आपका डीआरडीओ के अंदर कैसा एग्जाम था उन्होंने एक चीज़ है कि मैम हमारा जो ज्यादा भार रहता है ना वेटेज रहता है वो फिजिक्स पे ज्यादा रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बायो पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफी ईजी पूछे जाते हैं और पढ़ते ही हम वहां पे उसको देख लेते हैं कि भाई ये इसका आंसर हो है ठीक है और कौन से कौन से जैसे कि टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी कहा से शुरू होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है उनकी फर्दर ऑन फिर आपके आपके अलग अलग आपके साइंटिस्ट आते हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन देते हैं जैसे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सेल्स एंड टिश्यू के बारे में टिश्यूज यहाँ पे दोनों पढ़ोगे प्लांट वाले भी और एनिमल वाले भी ठीक है फूड एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के अंदर आप मिनरल्स पढ़ते हो वाइटमिन पढ़ते हो है ना क्या क्या पढ़ते हो यहाँ पे मिनरल्स पढ़ते हो वाइटमिन पढ़ते हो ठीक है वाइटमिन पढ़ोगे ठीक है आपकी और भी बहुत सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह वो सब तो उधर है ही ठीक है आपके सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी सात सिस्टम आपके होते हैं ह्यूमन बॉडी में जैसे कि बात करूं तो आपका डाइजेशन

आपके प्लांट्स की भी और आपके एनिमल्स की भी दोनों की ही आपकी यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज देखो एनवायरमेंटल इश्यूज तो ऐसा है कि जैसे कि आपके एसिड ड्रेन हो गया क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग हो गया क्या होता है ये सारी चीजें खूब पूछी जाती है थोड़ा सा है मेन यहां पे इनके प्रोटोकॉल्स पे ध्यान दीजिएगा आप मेन किस पे ध्यान देंगे आप इसके

साइंस में आपको ज्यादा सोचना नहीं है यू हैव टू जस्ट रीड इट यू हैव टू रीड द आंसर यू हैव टू रीड द आंसर रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट आंसर इट दिमाग में तभी आ जाएगा कैलकुलेशन नहीं है सबसे बड़ी खास बात क्या है कैलकुलेशन नहीं होती यहां पे आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा यानी कि आप साइंस तब आप सबसे पहले अटेम्प्ट करते हो तो आपका वहां पे टाइम जो यूज होता है जो टाइम सेव होता है वो आप अपने अदर सब्जेक्ट को दे सकते हो जैसे कि आपके मैथ वाले पोर्शन को आप दे सकते हो जैसे कि आप अपने रीजनिंग वाले पोर्शन को दे सकते हो ठीक है तो ये एक इसका बेनिफिट है साइंस का ठीक है अगर आप चाहो तो साइंस की जो क्लास है डीआरडीओ की मेरी रेगुलर क्लास होती है यूट्यूब के ऊपर बजे 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 डेली डेली क्लास क्लास होती होती है एक होती है है पे ठीक आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं चाहो तो ठीक है यहाँ पे मैं आपको एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन ही करा रही हूँ फिलहाल के टाइम पे ठीक है जितने मेरे से पीवाईक्यू हो सकता था जितने मैं ढूंढ सकती थी मैंने पीवाईक्यू भी कराए हैं यहाँ पे तो यू कैन ज्वाइन ऑन आपका बजे बजे पूरा पूरा ठीक है और इसके अलावा अगर अलावाड वाई फोर फोर थ्री इससे आपको, आपको डिस्काउंट मिल जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है तो मैं ज्यादा वहां पे आपको ट्यूटोरियल करा के नहीं दिखाऊंगी ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट क्लास टू सेशन आई होप यू लाइक द सेशन और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा तो गाइज यू कैन सब्सक्राइब टू इंजीनियर्स अट दर ट्वेंटी फोर सेवन फॉर मोर इमेटिव सेन डाउनलोड अट देंटी फोर सेल गेट दीज फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यू डोंव टू पे सिंगल पैनी